अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर गलत प्रोडक्ट्स आपके हाथ में दे देंगे और उससे आपके चेहरे पर नुकसान हो सकता है। जी हाँ प्रयागराज पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। ऐसे कारोबार का पर्दाफाश प्रयागराज के बहादुरगंज में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली कॉस्मेटिक सामान बेचे जाने वाले दुकानदारों के गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 8 लाख से अधिक के नकली कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। पुलिस ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरगंज में 5 दुकानदारों के पास जब छापा मारा तो उनके पास कॉस्मेटिक के बहुत ऐसे प्रोडक्ट मिले जो प्रोडक्ट्स के पेपर में लिखे कंपनी द्वारा बनाए ही नहीं गए थे। पुलिस ने ऐसे 5 दुकानदारों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लोग दिल्ली से सारे नकली प्रोडक्ट्स लाते थे और बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम के स्टिकर लगाकर उन्हें बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली के कुछ दुकानों के बारे में एक कंपनी के एजेंट्स के थ्रू सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक के बेचे जा रहे हैं जो वो कंपनी बनाती ही नहीं है वो प्रोडक्ट्स। इस पे सूचना पे फोर्स के साथ की गई थी। कुल 5 दुकानों पे लगभग 8 से 10 लाख रुपए का माल मिला है जिसमें तमाम कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बनाती ही नहीं है, यानी ये पूरी तरह से फर्जी हैं। अभी आरंभिक पूछताछ में मालूम चला है कि दिल्ली से लोग ला करके इनको दुकान पर सप्लाई करते हैं। अभी उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है। जो लोग भी इस चेन में शामिल होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।